अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? लास्ट टाइम 5.3 जो एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट की थी, अब इसके बाद एक्सरसाइज 5.4 जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द शो। 5.4 जो एक्सरसाइज है शॉर्ट के हवाले से काफी इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले डेफिनेशन है पेज नंबर 98 पे। पेज नंबर 98 यहां पे डेफिनेशन है। फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो है ऑर्डर पेयर। फर्स्ट डेफिनेशन, निशान मैं आपको बता देता हूं कहां से लेके कहां तक है। एनी टू नंबर्स, सुन ले आप लोग, निशान भी लगा लें। एनी टू नंबर एक्स एंड वाई रिटर्न इन द फॉर्म एक्स वाई इज कॉल्ड एन ऑर्डर पेयर। ये देखें पेज नंबर 98 पे, जहां पे 5.3 जो एक्सरसाइज है खत्म होती है, जिसका एंड है, उसके नीचे आपको हेडिंग मिलेगी ऑर्डर पेयर की। पहली जो लाइन है इट इज अ डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर पेयर। ये सेम डेफिनेशन आप लोगों ने क्लास 9th में चैप्टर नंबर 8, इन क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 वहां पे पहले ही डेफिनेशन थी। क्या डेफिनेशन है ऑर्डर पेयर की? कहता है कोई भी आपके पास टू नंबर्स हैं, उनको आप लोगों ने हमेशा एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट एलिमेंट फिर कॉमा सेकेंड एलिमेंट, उसको आप लोगों ने राउंड ब्रैकेट में क्रॉस कर। फॉर एग्जाम्पल 2 क्या आ गया? 3। फिर उसके बाद 4-5। एनी टू नंबर विच कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर, बट फर्स्ट जो एलिमेंट है इट इज कॉल्ड एक्स एंड द सेकेंड एलिमेंट इज इट इज कॉल्ड वाई। ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट हमेशा एक्स होता है और सेकेंड एलिमेंट हमेशा क्या होता है? वाई होता है। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ऑर्डर पेयर की, एक्स वाई राउंड ब्रैकेट में क्रॉस कर दिया। ये इनकी क्या है? एग्जाम्पल। तो कॉमे से पहले द फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या होता है? एक्स, और सेकेंड एलिमेंट क्या होता है? वाई। ये था आपके पास ऑर्डर पेयर। इसके बाद सेकेंड डेफिनेशन है इसके नीचे कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट उस पर आप निशान लगा दें, मैं आपको दिखा भी देता हूं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ए क्रॉस बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी कंसिस्ट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर एक्स एंड वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। यहां तक डेफिनेशन है किसकी? कार्टेशियन प्रोडक्ट की। ये बुक में देखें कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये हेडिंग दी हुई है। फर्स्ट टू जो लाइन है ये क्या है? इट इज अ डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट से लेके ये वाई बिलोंग्स टू बी तक। ये आपके पास दो डेफिनेशन है ऑर्डर पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। पेज नंबर 99 पे एक्सरसाइज 5.4 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द शो। शोर के हवाले से ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 क्या लिखा हुआ है? इफ ए ए बी बी क्या है सी डी देन फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। बुक में पार्ट्स नहीं दिए हुए, मैंने इसको पार्ट्स लेके आपको सॉल्व करके बता देता हूं। पहला पार्ट क्या है? ए क्रॉस बी मल्टीप्लाई आ गया है। मैंने भी क्या बोला है, इस मल्टीप्लाई को क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसे पहले आपने ए और बी की वैल्यू पुट कर दी। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, ए क्या है? ए बी मल्टीप्लाई क्या आ गया? बी की वैल्यू क्या है? सी। मैं आपको सिंपल एक वे बताता हूं इसको सॉल्व करने का। अब देखिए सेंटर में साइन कौन सा है? मल्टीप्लाई। जिस तरह आप लोग 7 में 8 में 9 में मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन होता है क्या? ए को मल्टीप्लाई किया सी के साथ, ए को मल्टीप्लाई किया डी के साथ, फिर बी को मल्टीप्लाई सी के साथ, बी को मल्टीप्लाई किया डी के साथ। मल्टीप्लीकेशन सेम वही है,
लेकिन यहां पे ये सेट्स का चैप्टर है, यहां पे हम लोगों ने क्या पहले कहा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट वी कैन राइट इट एज ऑर्डर पेयर, मल्टीप्लीकेशन वैसे ही होगी लेकिन इसमें लिखेंगे ऑर्डर पेयर में। अब देखिए मैंने क्या बोला अभी, ए मल्टीप्लाई हुआ सी के साथ, ए को लिखा हम लोगों ने सी के साथ, ये क्या आ गया पहला ऑर्डर पेयर। सेंटर में कौन सा साइन लगाना है, कॉमे का, मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाना। अब सेकंड एलिमेंट ए कॉमा क्या आ गया सी, स्टार्टिंग में वही प्रेसिडेंट कॉमा, आप ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे डी के साथ, लेकिन लिखेंगे कैसे ऑर्डर पेयर में, तो ए क्या आ गया डी। ए की बारी खत्म होगी, अब बी की बारी, बी को लिखेंगे सी के साथ, बी क्या आ गया सी, फिर बी को लिखेंगे डी के साथ, और ये लास्ट पे क्या आ गया ब्रैकेट क्लोज होगी। ए मल्टीप्लाई हुआ सी के साथ, लेकिन किस में लिखा ऑर्डर पेयर में, ए मल्टीप्लाई हुआ डी के साथ, अब आगे कोई एलिमेंट नहीं है, ए की बारी खत्म। अब बी की बार, बी को लिखा सी के साथ, बी को लिखा डी के साथ, ब्रैकेट क्या होगी क्लोज, तो ये आपके पास क्या आ गया आंसर। सेकंड पार्ट भी सेम ऐसे ही है, बी पहले आ जाएगा और ए बाद में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू भी सेम क्वेश्चन नंबर वन की तरह है, मैं इसमें आपको एक पार्ट समझा देता हूं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर टू इसमें पार्ट्स के नाम नहीं है, लेकिन लेकिन ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, मैं थर्ड पार्ट आपको समझा देता हूं। नंबर थर्ड पार्ट क्या आ गया ए क्रॉस ए, नो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू पुट करते हैं आप, ए उसने क्या बोला है 0 2 4 0 2 4, ए की वैल्यू पुट की मल्टीप्लाई 0 2 4। अब आगे जो आपने इस पार्ट में किया सेम हो सकता, फर्स्ट रो इन तीनों एलिमेंट्स के साथ है, बट वी कैन राइट इट एज ऑर्डर पे, जैसे 0 को लिखा 0 के साथ, 0 किससे मल्टीप्लाई हो गया 0 के साथ, फिर 0 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, फिर 0 किससे मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, 0 की वाली क्या होगी मतलब कैसे 4 के बाद कोई एलिमेंट नहीं है। अब किसकी बारी आ गई 2 की, 2 को लिखा 0 के साथ, 2 को लिखा 4 के 2 के साथ, देखिए 2 0 2 क्या आ गया 2, और 2 को लिखा 4 के साथ, अब किसकी बारी आ गई 4, 4 को लिखा 0 के साथ, 4 0 4 2 एंड क्या आ गया 4 4, ये ब्रैकेट क्या आ गई क्लोज, या आपके पास क्या आ गया आंसर। बहुत आराम से सवाल है, सिर्फ एक चीज जो सबसे अहम है, आप लोगों ने कॉमास लाजमी लगाने हैं, ये अक्सर बच्चे नहीं लगाते पेपर, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पेपर में नहीं लगाते तो वो क्या होता है सवाल गलत हो जाता है, तो कॉमास आप लोगों ने लाजमी लगाते। That is end of question number 2. Remaining parts, it's your assignments. Yaar hogi assignments. Question number 3. Part 1. Kya likha hai? Find A and B if A minus 4 और b माइनस 2 इज इक्वल 2 1, अब यहां पे देखें इक्वल का साइन आ गया, इक्वल से पहले भी ऑर्डर पेयर है, इक्वल के बाद भी क्या है ऑर्डर पेयर, देखें इक्वल है ये भी ऑर्डर पेयर, ये भी क्या है ऑर्डर पेयर, जब आप लोग ऑर्डर पेयर को रिमूव करते हैं, खत्म करते हैं, ओपन करते हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल आ जाएगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के, मतलब x x के इक्वल आ गया y y के इक्वल,
तो जब आप लोगों ने ब्रैकेट्स को रिमूव किया तो a माइनस 4 इसके इक्वल आ गया 2 के, सेंटर में आप पहले लगा दें, और b माइनस 2 इसके इक्वल आ गया 1 के। देखिए फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल, यहां से आप लोगों ने a और b की वैल्यू निकाल ली। देखें a की वैल्यू को लोड करनी है, 4 को आप दे हैं राइट हैंड साइड पे, माइनस है तो इसमें चेंज हो गया प्लस में, तो a की वैल्यू क्या आ गई 6। अब b देखिए, b इज इक्वल टू क्या आ गया 1, 2 वहां पे लगेंगे, माइनस है क्या हो गया प्लस, और b की वैल्यू क्या आ गई 3। a और b की निकाले वैल्यू तो लास्ट में लिख दे, सो a किसके इक्वल आ गया 6 के और b किसके इक्वल आ गया 3 के। ये आपके पास क्या आ गया आंसर। नंबर थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या है, 3 माइनस 2 ए कॉमा बी माइनस 1 ब्रैकेट इज इक्वल ए माइनस 7 और 2 बी प्लस क्या आ गया 5। सेम वही मेथड जो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में यूज किया, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकेंड वाला सेकेंड। तो ओपन की हम लोगों ने ब्रैकेट, 3 माइनस 2 ए किसके इक्वल आ गया ए माइनस 7, लाइन लगा दे। सेकेंड एलिमेंट क्या है, बी माइनस 1 किसके इक्वल आ गया 2 बी प्लस 5। अब इन दोनों में से हम लोगों ने a और b की वैल्यू निकाल ली बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब देखिए दोनों साइड्स पे वेरिएबल, तो आप लोगों को पता होना चाहिए वेरिएबल की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे, विदाउट वेरिएबल की वैल्यू राइट हैंड साइड पे। तो माइनस 2 a एक बार किधर लेके आ जाए, माइनस a माइनस 7 माइनस क्या आ गया 3, ये 3 प्लस का यहां पे क्या हो गया माइनस का, माइनस 2 ए माइनस ए माइनस 3 ए इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 10। तो ए की वैल्यू क्या आ गई माइनस 10 ओवर माइनस 3, माइनस 3 मल्टीप्लाई यहां पे क्या हो गया डिवाइड। कीप इन योर माइंड वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो अनदर साइड पे जाके वो डिवाइड होगा और उसका साइन चेंज नहीं होगा। तो ये माइनस जो है आपस में क्या होंगे कैंसिल होंगे, तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई a इसके इक्वल आ गया 10/3। अब इधर आओ b की वैल्यू, वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड पे ले है, b माइनस 2b इज इक्वल टू क्या आ गया 5+1, ये 2b प्लस का यहां पे क्या हो गया माइनस, ये 1 माइनस का यहां पे क्या हो गया प्लस, 1 माइनस 2 माइनस 1 b इज इक्वल टू 6। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b माइनस 1 मल्टीप्लाई यहां पे क्या हो गया डिवाइड, तो b की वैल्यू क्या आ गई माइनस 6। ये देखें a की भी वैल्यू आ गई और b की भी आ गई, तो ये आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया। तो लास्ट में लिखते हैं, सो a क्या आ गया 10/3 और b किसके इक्वल आ गया माइनस 6। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है कि फाइंड द सेट x एंड y हमने क्या मालूम करना है, सेट x एंड y if x cross y is equal receive AA BA CA और क्या आ गया BA। ये आपके पास
ए कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है, क्या है इसमें से आपने एक्स और वाई के एलिमेंट्स लिखने हैं। दो सेट बनाने हैं आपने, सेट एक्स एंड सेट वाई। सेट बनाने तो ब्रेसिस आ गई। तो एक्स मैंने ऑर्डर पेयर में क्या बोला, ये है ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट एक्स होता है, सेकंड एलिमेंट क्या होता है वाई। इन ऑर्डर पेयर द फर्स्ट एलिमेंट इज एक्स एंड द सेकंड एलिमेंट इज वाई। जिसपे मैंने ये टिक लगा दी है ए बी सी डी, ये तमाम फर्स्ट एलिमेंट है। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है एक्स होता है। फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है एक्स। जिस पे ये टिक लगी हुई है ये क्या है एक्स के एलिमेंट, ये है एक्स। तो क्या आ गया ए बी सी, क्या आ गया डी, इट इज अ सेट एक्स। अब क्या रह गया वाई। कोमे के बाद वाला जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं वाई होते हैं। ऑर्डर पेयर में मैंने क्या बोला था, ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट एक्स होता है, सेकंड एलिमेंट क्या होता है वाई। तो कोमे के बाद वाला एलिमेंट वाई है। जिसपे मैंने ये स्टार लगा दिया है ये क्या है वाई के एलिमेंट, क्या है वाई के एलिमेंट, क्या है ए ए ए ए। जब सेम एलिमेंट्स आ जाए, सेम एलिमेंट्स, तो उसको हम लोग हमेशा वन टाइम लिखते हैं। हमेशा क्या लिखेंगे वन टाइम। तो वाई के एलिमेंट्स क्या आ गया ए, तो ये आपके पास क्या आ गया सेट एक्स एंड वाई। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, ऑर्डर की ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो एक्स होता है। ये ना फर्स्ट एलिमेंट ए बी सी डी, ये क्या है एक्स। और कॉमे के बाद वाला सेकंड एलिमेंट वो क्या होता है वाई। अगर रिपीटेड होंगे तो उसको वन टाइम लिखेंगे। देखिए ए ए रिपीटेड है तो वन टाइम लिखा, ये आपके पास क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइव का पार्ट वन है, क्या लिखा है इफ एक्स ए बी सी वाई देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स क्रॉस वाई। तो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव का पार्ट वन, क्या है एक्स क्रॉस वाई। सबसे पहला स्टेप जो होगा हम लोगों ने एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी है। इसलिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर वन और टू किया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स क्या है ए बी सी मल्टीप्लाई वाई क्या है डी। अब आप इसको वही मल्टीप्लाई करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए पहले मल्टीप्लाई हुआ डी के साथ फिर ई के साथ, ब्रेसिस ए क्या आ गया डी ए डी, फिर बी को लिखा डी के साथ बी डी फिर बी ई। अब सी की बारी सी डी, फिर सी क्या आ गया ई। ये हम लोगों ने क्या प्रूव किया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब जो उसने सवाल में लिखा हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट इन, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स क्रॉस वाई इज एलिमेंट्स की बात कर। पहले एक्स है, ये है एक्स, एक्स का सेट क्या है अगर आप देखें वो क्या है ए बी सी, और वाई क्या है डी ई। एक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, ये एक्स कितने एलिमेंट्स हैं तीन, वन टू थ्री, ये क्या लिख दिया थ्री मल्टीप्लाई। अब वाई, वाई में देखें कितने एलिमेंट्स हैं टू एलिमेंट्स हैं, तो क्या लिख दिया टू। सेकंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स क्रॉस वाई, पहले हमें देखना है कि एक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, ये है एक्स उसमें कितने एलिमेंट्स हैं थ्री, फिर वाई मल्टीप्लाई, फिर y में देखें कितने एलिमेंट्स हैं वो टू है, तो क्या लिखा टू। तो थ्री मल्टीप्लाई टू क्या आ गया सिक्स,
अब जो हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया उसमें देखिए कितने ऑर्डर पेयर बने, 1 2 3 4 5 6 6 आ गया, यही आपके पास क्या आ गया आंसर। तो इसके रिमेनिंग टू पार्ट्स इट्स योर असाइनमेंट एंड दैट इज एंड ऑफ एक्सरसाइज 5.4 एंड 5.4 एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट। शॉर्ट के हवाले से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पिछले 5 साल के पेपर उठा के देख लें, लास्ट 5 ईयर्स के, इनमें से शॉर्ट में सवाल आया हुआ है और लाजमी आता है, इसको अच्छी तरह कीजिएगा। तो ये आपके पास जो एक्सरसाइज है 5.4 कंप्लीट हो गई है। थैंक यू वेरी मच।